अगर ये लड्डू डेली आप एक खाते हैं तो कई तरह की बीमारियों से आप बचेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक खास चीज़ जो कि आपकी बॉडी को अंदर से ताकत देता है। यहाँ पे एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ली है और इसमें डाल रहे हैं 100 ग्राम मखाना। मखाने की क्वालिटी चेक कर लीजिए, मखाना हमेशा बड़ा बड़ा साइज के होने चाहिए और इसका जो कलर है वाइब्रेंट होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। जो कलर इसका डार्क सा होने लग जाता है तो समझ लीजिए ये काफ़ी पुराना माल है। आप चाहें तो इसको खा के भी देख सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए इसको हम रोस्ट करेंगे। मखानों को रोस्ट होने में लगभग 5 से 7 मिनट लगते हैं। लगातार स्टर करना होता है और मीडियम टू लो फ्लेम रखनी होती है। आप चाहें तो इसको हल्का सा इस तरह से दबा के देख सकते हैं। अगर इसका चूरा बन रहा है तो ये परफेक्टली हो चुका है, या फिर इसको खा के भी देख सकते हैं। अगर दांतों में चिपक रहा है इसका मतलब थोड़ी देर इसको और रोस्ट करना होगा। इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे बर्तन में। टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है, ये 100 ग्राम के आसपास है। इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम, लेकिन गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है क्योंकि बहुत जल्दी ये जलने लग जाता है। इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, लाइट रहना चाहिए, एक खुशबू सी आनी चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर चेंज हो चुका है, लेकिन डार्क नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है हमको, ये देख सकते हैं आप। और एक बात और कि कोकोनट पाउडर पुराना नहीं होना चाहिए। कोकोनट पाउडर पुराना होता है तो उसमें एक स्मेल सी आने लग जाती है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। कोकोनट पाउडर हमने यहाँ पे खाली कर दिया है और अब डाल रहे हैं सुपर फूड। ये हैं अलसी के बीज। जब भी मौका मिले इनको खाना चाहिए, चाहे आप इनको रोस्ट करके खाइए, डेली चबा चबा के खाइए, या फिर किसी भी चीज़ में जैसे लड्डू हम बना रहे हैं उसमें खाइए। इसकी न्यूट्रिशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, शुगर को कंट्रोल में रखता है, और ये हाई फाइबर है, ये डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इसको रोस्ट कर लेंगे ना, रोस्ट करने के बाद में खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, कच्चा खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जो अलसी के बीज होते हैं ना, उनका इस तरह से चटकना बहुत ज़रूरी है, ये देखिए। इसलिए इसको लगातार स्टर करिए, वरना उछल उछल के बाहर गिर जाएंगे सारे। लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको इस तरह से करिए, ये आराम से हो जाता है। लेकिन गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ भी मत कर देना, वरना जलने भी लग जाते हैं। इसकी खुशबू आपको आने लग जाएगी, भुनी हुई खुशबू, या फिर आप इसको खा के भी देख सकते हैं। अगर खा के देखते हैं चिपचिपापन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो चुके हैं। चलिए इसको फटाफट से निकाल लेते हैं हम। 3 बड़े चम्मच तिल, सफ़ेद वाले तिल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। इनको भी रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तिल भी यहाँ पे बढ़िया सा रोस्ट हो चुका है, एक बढ़िया सी खुशबू यहाँ पे आ चुकी है। तिल मैंने कम इस्तेमाल किया है, इसका रीज़न ये है कि अगर आप तिल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो तिल का फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। तो फिर ये तिल के लड्डू बन जाएंगे। हमको हल्का सा फ्लेवर देना है इसका, और वैसे भी गर्मियों में तिल ज़्यादा नहीं खाया जाता है। अब उसी कढ़ाई के अंदर 2 बड़े चम्मच हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे नट्स को फ्राई करने के लिए। घी मेल्ट हो चुका है, जैसे घी मेल्ट होता है तो बादाम हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। काजू, थोड़ा सा अखरोट, और इसी के साथ में थोड़ा पिस्ता। अगर इन चारों का वेट किया जाए नट्स का तो लगभग ये 400 ग्राम के आसपास है। आपको बादाम पसंद है तो बादाम ज़्यादा डालिए, काजू पसंद है तो काजू डालिए, ये आप पे डिपेंड करता है। लगभग 3 से 4 मिनट इसको इसी तरह से भूना है। बादाम में हल्के से क्रैक्स आ गए हैं और साथ ही साथ में जो काजू है उनका भी कलर चेंज हो गया है। तो अब इसको फटाफट से हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक मिक्सर जार लिया है, सबसे पहले मखाने को पीस लेते हैं। मखाने का एक बढ़िया सा पाउडर बन चुका है, अगर सही ढंग से रोस्ट होगा तो सही ढंग से पाउडर बनेगा। भुने हुए अलसी के बीज, इसका पाउडर नहीं बनाना, इसको सिर्फ क्रश करना है। ये देखिए, अलसी के बीज को पूरी तरह से पाउडर नहीं बनाया है, हल्का सा क्रश किया है। जब दांतों में लगता है ना बहुत अच्छा लगता है। ये रे नट्स, इनको भी क्रश करेंगे और इसी के साथ में तिल भी ऐड कर देते हैं। नट्स भी हमने यहाँ पे क्रश कर लिए। बाइंडिंग और टेस्ट के लिए हमने नारियल का बुरादा इस्तेमाल किया था। इसको हल्का सा घुमा लेंगे, बहुत ज़्यादा भी इसको चर्न मत करना वरना इसमें से ऑयल निकलने लग जाता है। यहाँ पे ले रहे हैं हम 150 ग्राम मिश्री। आप चाहें तो इससे कम भी ले सकते हैं अगर आपको मीठा कम पसंद है, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इतना। ये धागा हमने इसका निकाल दिया है, ये धागे में लटकी रहती है, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, इसके पीसने में आसानी रहेगी। मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका एक पाउडर बना लेते हैं। मिश्री का बिल्कुल पाउडर बना लिया है, इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये है 5 से 6 इलायची, फ्रेश कूट के डालनी होती है वरना सारी खुशबू उड़ जाती है। तो चलिए सभी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं। मिश्री का पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे लिया है हमने मेल्टेड घी 1 कप। अगर इससे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो हम थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। आप चाहें तो घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं अगर बाइंडिंग हो रही है तो। हम घी सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे हाथों से अच्छी तरह से इसको मसल लिया है हमने और घी को इसमें मिक्स कर लिया है।
अब इसके लड्डू बना के देखते हैं, आसानी से बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा और घी भी ऐड कर सकते हैं हम। ये देखिए एक कप घी में आसानी से बन रहा है ये, बहुत ही शानदार वाले लड्डू यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। आप इनका इस्तेमाल 1 से 1.5 महीने तक कर सकते हैं, और बाहर रखिए, अंदर फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे ख़राब हो सके। और ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहा है, जब हाथों में इतनी आसानी से टूट रहा है तो सोचिए मुँह में जाते ही इसका क्या हाल होगा। ज़रूर बनाएँ और ज़रूर खाएँ, बड़े हो या बच्चे सबको खिलाएँ।